गोला थाना क्षेत्र के 28 और 29 मार्च में हुई डांसर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान बढ़लगंज थाना के परसिया निवासी विवेक गौड़ उर्फ गणेशु, बाबू शंकर उर्फ खेसारी, उर्वा थाना के झजवा निवासी देवेंद्र उर्फ आकाश, प्रदीप कुमार गुप्ता उर्फ प्रदीप गोरखपुरी के नाम से हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल सेट और एक बाइक भी बरामद हुई है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोला प्रशांत सिंह ने बताया कि मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ गणेशु ने के भाई अनिल का मृतक डांसर अभिषेक उर्फ झीनक उर्फ निशा हरिजन के अवैध संबंध तथा दोनों का रहन सहन पति पत्नी की तरह था, जिसके कारण मृतक अभिषेक से अभियुक्त गणेश का द्वेष था। अपने परिवार की सामाजिक अपमान तथा गिरती प्रतिष्ठा के कारण उसने षड्यंत्र रचकर डांसर निशा की हत्या कर दी और लाश को लेकर पकवा बाजार के पास नहर में फेंक दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला प्रशांत सिंह ने बताया, एक अभिषेक और झीनक और निशा की हत्या हो गई थी 28-29 की रात में, तो इसकी लाश को फेंका गया था पकवा बाजार के पास नहर के पास। इस संबंध में इस घटना का अनावरण हुआ है, 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पीसी जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त है विवेक गौड़ उर्फ गणेशु, इसके भाई से जो अभिषेक और खुशीना को निशा है जिसकी हत्या की गई थी, वो महिलाओं को वेश में रहता था, नाचता था, उसके भाई से उसके अवैध संबंध थे, इसलिए उसने अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा के लिए इसकी हत्या की। इस अभिषेक और खुशीना को टेलीफोन करके बुलाया गया रात में, इसकी कॉल डिटेल से हमें पता लगा है विवेक गौड़ ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। इसकी इसी के दुपट्टे से इसकी गला दबा के हत्या करके पकवा बाजार के पास नहर के पास इसकी लाश को फेंक दिया। जिनकी हत्या हुई है वो दिखने में पुरुष थे, लेकिन महिलाओं के वस्त्र पहन के नाचते वस्त्र थे, शादी करते।